जिंदगी में जिन्हें अपनी क्षमता पर भरोसा होता है उनमें अपने उद्देश्य प्राप्ति की लालसा उत्साह और दृढ़ संकल्प कूट कूट कर भरे होते हैं। ऐसे विले लोग लाखों करोड़ों में एक होते हैं। वो पूरी एकाग्रता से अपने लक्ष्य की प्राप्ति में निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। सफलता की चोटी पर पहुंचने तक नहीं रुकने का जज्बा उनके व्यक्तित्व की विशेषता होती है। उन्हीं में से एक हूं मैं। नाम है श्याम। फिल्म मेकिंग मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा जुनून है। रोजमर्रा की जिंदगी के खास पहलुओं को मैंने हमेशा कैमरे के नजर से ही देखा है। चाय खा रहा हूँ, सो रहा हूँ या दोस्तों के बीच हूँ, हर वक्त मैं एक नया कॉन्सेप्ट की तलाश में लगा ही रहता था। आखिरकार मैंने युवाओं के लिए एक ऐसा कॉन्सेप्ट तैयार किया जो उनके लिए प्रेरणादायी हो। A concept which no one has thought of so far। मैंने उस कॉन्सेप्ट पर एक म्यूजिक एल्बम बनाने की सोची, मगर तभी पता चला कि जिंदगी आसानी से कभी कुछ नहीं देती। कॉन्सेप्ट तो तैयार कर लिया था, पर पैसे लगाने वाला प्रोड्यूसर कहीं भी मिल नहीं रहा था। और ठीक उसी पल से प्रोड्यूसर की तलाश शुरू हो गई। जिसने भी कॉन्सेप्ट सुना सुपर्ब कहा, मगर आखिर में सॉरी कहकर मेरा दिल तोड़ दिया। ऐसी बाधाओं से मेरा उत्साह कम हो रहा था। मैं सोचता था मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और अब मैं सोचने लगा था कि मैं कुछ कर पाऊंगा क्या। मेरा आत्मविश्वास ढलते सूरज की तरह डूब रहा था। निराशा के अंधकार को चीरती हुई जो चीज हमें आशा की किरण दिखाती है वो है प्रेरणा। साधारणतः इस प्रकार की प्रेरणा हमें फ्रेंड से, पेरेंट से, बुक से या फिर गुरु से मिलती है, मगर मुझे जिसने प्रेरणा दी वो है एक छोटी सी चींटी। सचमुच एक चींटी। आहार पाने के लिए उसकी लंबी तलाश, लगातार कोशिश, रास्ते में अनेक परेशानियों और खतरों से रूबरू होना, क्या क्या कहूं मैं। आई थिंक इट गेट्स द एबिलिटी आउट ऑफ इट्स एटीट्यूड।
इतना सब कुछ देखने के बाद एक इंसान के रूप में मैं सोचने लगा कि अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अब मैं किसी का भी सामना कर सकता हूँ।